हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के लिए एक खास ट्रिक लेकर के आया हूं। आप लोग यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस तो देखते ही होंगे या फिर आप लोग अपने गैलरी से किसी न किसी वीडियो को तो जरूर देखते ही होंगे। और ऐसी कंडीशन में जब कभी अगर जो आपका फेस या फिर आपका हाथ अगर जो आपकी स्क्रीन पर लग जाता है तो दूसरा कोई चालू हो जाता है, यानी कि अगर जो आप लोग यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देख रहे हैं और अगर जो किसी कारणवश अगर जो आपका हाथ इधर उधर अगर जो टच हो जाता है तो जो आप वीडियो जो प्ले कर रहे हैं उसकी जगह दूसरा कोई वीडियो प्ले हो जाता है, या फिर और भी कई सारी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पर हमसे ये कंडीशन हो जाती है, ये गलतियां हो जाती हैं। तो किस तरह से हम जो चीज देख रहे हैं, जिस वीडियो को हम देख रहे हैं, हम आसानी से देख सकें, हमारी स्क्रीन पर टच होते हुए भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम आज यहां पर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम यहां पर ये भी बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने एंड्रॉइड फोन के होम, रिसेंट और बैक बटन तीनों को भी किस तरह से हम लॉक कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर लाइक का बटन नजर आएगा, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आप लोगों को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो आप हमारे चैनल से जो ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ उस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन है ये है टच लॉक, तो इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसमें कोई भी ज्यादा हमें यहाँ पर सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन किया, इसके बाद जो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करते ही हमारी जो एप्लीकेशन है बस इसका काम यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पर यूट्यूब पर ही कोई वीडियो यहाँ पर जैसे कि प्ले कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जो अपनी ही एक वीडियो है इसको जैसे यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अगर जो टच करता हूँ तो हमारी यहाँ पर दूसरी कोई वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी या फिर अप एंड डाउन होता रहेगा। लेकिन अगर जो हमें इसे लॉक करना है तो क्या करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ओपन नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर लॉक का बटन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो हम यहाँ पर कुछ भी टच करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी अगर जो हम यहाँ पर करते हैं अप एंड डाउन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर यह कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर लॉक हो चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इसका यहाँ पर फायदा ले सकते हैं। और अगर जो हमें यहाँ पर अनलॉक करना है तो इसके लिए जैसे कि हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं, उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है इसका आइकन हमें यहाँ पर नजर आ जाता है, तो इसी पर हमें डबल क्लिक करना है और उसके बाद जो हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमें करना हो या हम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर जो हमें यहाँ पर अपने होम बटन या फिर अपने जो बटन हैं एंड्रॉइड फोन के जो बटन हैं उनको अगर जो लॉक करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में जाएंगे और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो लॉक का बटन है हम अगर जो इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये हमसे यहाँ पर इनेबल करने के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं। और इसके बाद इनेबल करने के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ पर सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाती है। अगर जो आपको यहाँ पर स्क्रीन लॉक अगर यहाँ पर करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर या तो इस एप्लीकेशन को परचेस करना पड़ेगा या फिर यहाँ पर हमें 3 ads यहाँ पर देखने होंगे, तब हम इसका इस फीचर का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। अगर जो हमें यहाँ पर होम, बैक और रिसेंट की अगर जो लॉक करनी है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद ये हमें यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग यहाँ पर ऑन करनी होगी, तो यहाँ पर मैं आई गॉट इट इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे की ओर आऊँगा और इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है जो ये एप्लीकेशन इस पर, और इसके बाद हमें इसको परमिशन दे देना है। इसको मैं यहाँ पर टर्न ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर बाहर आता हूँ, अगर जो मैं यहाँ पर अपना जो होम या फिर बैक बटन या फिर रिसेंट बटन अगर जो मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। अगर जो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ भी अगर जो हम यहाँ पर प्रेस करने की कोशिश करते हैं, होम बटन या फिर बैक बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है डबल प्रेस होम बटन। तो इसके बाद अगर जो हम अपने होम बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है यहाँ पर रन कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये सब नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर जिसको अनलॉक करना हो या फिर अगर वॉल्यूम बटन को भी अगर यहाँ पर लॉक करना तो कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मुझे अपने जो होम और रिसेंट और जो बैक बटन उनको अनलॉक करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा जो होम की है इसको डबल टैप यहाँ पर करेंगे और डबल टैप करते ही हमारा जो अनलॉक बटन है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये अनलॉक हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको भी अनलॉक कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बाहर आता हूँ या फिर अगर जो कोई भी यहाँ पर सेटिंग पर जाता हूँ या फिर बैक रिसेंट अगर कुछ भी करता हूँ तो आसानी से हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर जो आपकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाइएगा। और अगर जो आपके पास हमारे लिए क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा।
तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स ओरिजिनल के साथ और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स ओरिजिनल। थैंक्स।